Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you, but only your values and character will keep the gate open. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो. लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना. आप अगर जीवन में नीति नियम और सिद्धांत से कभी विचलित नहीं होंगे तो आपकी एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर ऐसा बना रहेगा कि लोग आपके पास आएंगे, रिसोर्सेज आपके पास आएंगे, आप जो काम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे. यू विल बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट टैलेंट, पीपल एंड रिसोर्सेज. आप नीति नियम और सिद्धांत में स्पष्ट होने चाहिए. विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 प्लेन भेजे थे लंदन और पूरे लंदन पे बॉम्बार्डिंग, कारपेट बॉम्बिंग किया था, पूरा लंदन जल रहा था, तब विंस्टन चर्चिल बाहर आए और वी फॉर विक्ट्री की सिंबल दी, जो आज भी हम क्रिकेट मैच में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वी फॉर विक्ट्री तब उन्होंने दी थी. एंड ही मोबिलाइज्ड द फोर्सेस एंड पीपल टू फाइट अगेंस्ट, और दूसरा विश्व युद्ध जीता. वे विंस्टन चर्चिल जो वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी, हिटलर के सामने वे खड़े रहे. वे विंस्टन चर्चिल जो नए आईसीएस ऑफिसर्स बनते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज हम आईएएस बोलते हैं, उनके कॉन्वोकेशन डे में जब जाते थे तब उनको बोलते थे कि आप भारत जाते हो, आपकी उम्र बहुत छोटी है, युवा हो आप, 25-26 साल के, बड़े बड़े प्रांत के गवर्नर के रूप में आप बैठोगे, आप कहीं बड़े बड़े निर्णय भी लोगे, बड़े बड़े काम भी करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको नहीं करनी है. तब दिस वर यंग एंड डायनामिक आईसीएस ऑफिसर्स एंड दे यूज्ड टू आस्क चर्चिल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात नहीं कर रही है. तब विंस्टन चर्चिल बात करते थे उनको कि आप भारत जाके सब काम करना, लेकिन गांधी और सरदार के साथ बात मत करना. तो ये लोग पूछते थे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो. तब वे कहते थे कि ये दो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में नीति नियम सिद्धांत और सत्य इतना दृढ़ है, उसकी वजह से उनकी एक पर्सनालिटी है जो ओवरपावरिंग है. आप उनके साथ मीटिंग में बैठेंगे तो 10 मिनट की मुलाकात के बाद आपके मुंह पे एक ब्लैंक पेपर वे लोग फेंकेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे सिग्नेचर कर दे. यू विल साइन अ ब्लैंक पेपर एंड देन दे विल राइट द टेक्स्ट. इतनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं ये दोनों. अगर इन दोनों से बात करनी पड़ी तो पहले आप इंग्लैंड से परमिशन मंगवा लेना, पूरा एजेंडा भेजना. विंस्टन चर्चिल बात करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटलर बट आई एम अफ्रेड ऑफ द हाफ नेकेड फकीर ऑफ इंडिया. तो सत्य में, सिद्धांत में, कोई भी व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है. समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्डवर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ. ये सिद्धांत है. आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल एमबीए है आपके पास, एलएससी के, हार्वर्ड से, ऑक्सफर्ड से, दिस विल काउंट ओनली 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज योर वैल्यूज एंड वर्च्यूज. आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं. इट काउंट्स मोर. बिकॉज मैं आपको बोलू, योर टैलेंट, योर इंटेलिजेंस एंड योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैन ओपन एनी गेट फॉर यू, बट ओनली योर वैल्यूज एंड कैरेक्टर विल कीप द गेट ओपन. आपके लिए कोई भी दरवाजा खुल जाएगा क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा आपके लिए हमेशा अगर आपके कैरेक्टर में कोई प्रश्न नहीं आया तो. आप ये भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, हर 10-20 दिन में एक बार ये प्रसंग बनता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है. वो तो जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है जिसका न्यूज़पेपर में कभी रिपोर्ट आता है उसी का नाम आता है, उसके अलावा 10-15 का नाम नहीं आता, बाकी तो हर रोज ये प्रसंग बनते हैं. हर 10-15 दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि किसी बड़े व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती की सिद्धांत, नीति नियम और चरित्र में, इसकी वजह से वे बड़े पद प्रतिष्ठा से गिर पड़े. हा या ना, सुना है और पढ़ा भी है ना, और पढ़ते हो ना, यस और नो?
तो ये बात याद रखना कि अगर 20, 30, 40 साल तक भी आपने बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करके एक बड़ी बात जीवन में हासिल की, तो भी अगर चरित्र में कोई तकलीफ आएगी तो आप मिलियनर यूथ नहीं रहेंगे, आप बन जाएंगे बैगर यूथ। तो पुरुषार्थ के साथ ये सद्गुण थोड़े हैं वो जीवन में रखना बहुत जरूरी है। अनदर गुड थिंग दैट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड टुडे व्हेन इट कम्स टू मिलियनर यूथ, जीवन में क्रिएटिविटी भी थोड़ी रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखना। रिवर्सेस तो आएंगे, सेटबैक्स तो आएंगे, फेलियर्स का अनुभव भी कभी होगा, हाँ या ना? इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे हताश मत हो जाना, निराश मत हो जाना। जीवन में रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलना, अंटिल आई कैन रन आई विल रन, When I can't run, I'll walk. When I can't walk, I'll crawl. But I will not stop. I'll keep moving. ये सिद्धांत होता है जीवन में। Till I live, till the last breath of my life, I'll keep walking. I'll keep crawling. But I'll move. तो विश्वास रखना, थोड़ा क्रिएटिव भी होना, देखते रहना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखने, तो कहीं बात आ जाती है। ये मुंबई में बाजू में ही हमारा समंदर बहुत बड़ा है, उसमें कितने पानी के ड्रॉप्स हैं, अनगिनत। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, नजर में नहीं आती है क्योंकि इस प्रकार का अभिगम नहीं रखा, दृष्टि नहीं रखी। रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। ये युवा सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था, तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी, स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बिठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर, मतलब एंग्शियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंग्शियस हो रही है, उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू, कहीं ये यंग मदर्स को अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, दो तीन स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज अलाइट हैज गॉन इनटू द बस, बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर वन आवर कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वॉज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million। मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो देसी गुजराती मां वेलू आऊ जो आटलू मोड़ू कराए नहीं घर एटलू तो शू काम होते, टीवी जोवा बेसी रिया से पछी उतावड़ थाय ना।
આવા આવા લોકો એમ કે પાછું આમ ઉભો ઉભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કઈ બલિવાન ના આવે. લેકિન ઉસને પોઝિટિવલી કુછ સોચા,